ओडिशा के कोरापुट जिले में बुधवार शाम एक बारूदी सुरंग विस्फोट में कम से कम 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। माना जा रहा है कि यह हमला माओवादियों ने अंजाम दिया था। दक्षिण पश्चिम रेंज के DIG एस सयानी ने बताया कि बारूदी सुरंग की घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 शवों को बरामद किया था और 3 अन्य की बाद में अस्पताल में मौत हुई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना को कायराना कृत्य बताया है। विस्फोट माओवाद प्रभावित कोरापुट जिले में सुमकी घाट पर मुंगर भूमि के निकट हुआ। यह जगह आंध्र प्रदेश की सीमा से मुश्किल से 1 किलोमीटर के फासले पर है। सयानी ने बताया कि करीब 13 पुलिसकर्मी एक ट्रक में कटक जा रहे थे और रास्ते में उनका वाहन बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। कोरापुट जिला माओवादियों का गढ़ माना जाता है और यहां इस तरह सुरक्षा कर्मियों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। फिलहाल केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। देखते रहिए DB Live।